दिल दहला देता है हादसा, कईयों के आंखों में आंसू सुखा देता है, क्योंकि ये हादसा सीधे सीधे उनकी जिंदगी पर असर करता है। एक और सड़क हादसा, भीषण सड़क हादसा जिसमें 3 लोगों की जान गई है। रमन्नापेट मंडल में ये हादसा हुआ है। तालाब में एक कार गिर गई है और शुक्रवार की सुबह ये हादसा हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक सरपंच के पति मधु, बेटा मणिकंठा और वार्ड सदस्य श्रीधर रेड्डी की मौत हुई है। कुल 3 लोगों की मौत हुई है। यादाद्री जिले के पास ये हादसा हुआ है। इसमें सरपंच सपना के पति, 9 साल के बेटे घर वापस लौट रहे थे, इसी बीच में ये दुर्घटना हुई। घर रवाना हुए पति को वापस नहीं लौटने पर परिवार ने खोजबीन शुरू की, तब जाकर पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस ने जब पूरा मामला खंगालने की कोशिश की और सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, तब कार तालाब में गई है इस तरह की जानकारी मिली। जब जाकर खोजबीन की गई और कार को निकाला गया, तब पता चला कि तीनों की मौत हो गई है। कार में तीनों डूब कर मर गए, क्योंकि कार सीधे सीधे पानी में गिर गई थी, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है।